हरे कृष्णा, जय माता दी। आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव का, जो बहुत पावन तथा सभी भक्त सुन रहे हैं गुरुवर की मुखर वाणी से, मुखारविंद से, जो इतने पावन सुर में भजन गाना, सुर में मिठास में कथा गाना, और महासंत, हम इनका नाम तो नहीं जानते लेकिन ये बहुत महान संत हैं। साक्षात गुरुदेव ने दोनों के लिए, महासंतों के लिए, छत्र और सिंहासन विराजमान किया है, और स्वयं गुरुदेव खुद चरणों में बैठे हैं। इतने महान संत, सोचो किस प्रकार उन्होंने भजन तप किया है, आज इनको ये सिंहासन प्राप्त है। श्री अनुरुद्धाचार्य जी श्रीमद् भागवत कथा तो कर ही रहे हैं, अपना धर्म तो, अपना कर्तव्य वो निभा रहे हैं, लेकिन विशेष बात यह है जो श्री अनुरुद्धाचार्य जी हैं, इतने सरल तरीके में रहते हैं, इतने सरल स्वभाव में रहते हैं, कहने को 30,000 भक्तों की सेवा रोज़ाना करते हैं, और साथ में अपने प्रभु का नाम जप भी करते हैं, हरि का नाम भी लेते हैं, और इतना ही नहीं, बहुत सुर मिठास में कथा गाते हैं। हर भक्त जो भी सुनता है, सच्चे हृदय से, मन से, तन से, अपने समर्पण और श्रद्धा भाव से भक्ति के मार्ग पर चलने लग जाता है। इतने अद्भुत, जैसे कि माँ, आज पहला नवरात्र था माता रानी का, और हमारी माँ दुर्गा आई हैं, और उनका पूजन 9 दिन तक होना है, और लेकिन माँ तो हमारे लिए, माँ से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, माँ से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। भगवान भी साक्षात माँ के झुके रहते हैं माँ के लिए, लेकिन माँ को प्रसन्न करना है भक्तों, पहले अपने घर बैठी माँ के सेवा करो, उसको खुश रखो, फिर तुम्हारे मंदिर की माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। कहते हैं भगवान दिखता नहीं है, लेकिन भगवान है, भगवान भी दूसरा माता पिता के रूप में हमारे पालन पोषण करते हैं, और 9 महीने गर्भ में रहते हैं तो भी हमारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन माँ के लिए तो हमारा हर पल अच्छे से होना चाहिए, और अच्छे भाव में, बहुत प्रेम में। प्रेमानंद महाराज जी या फिर अनुरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी या बागेश्वर धाम सरकार, ये सभी चारों पांचों कथावाचक सबसे नंबर 1 पे हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत सुर्खियों में रहते हैं। इनको कौन नहीं जानता, हर कोई बच्चा जानने लग गया है इनको, क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी मधुर वाणी से कथा गाते हैं, और यहाँ तक कि जो प्रभु का नाम जप करता है और प्रतिदिन प्रभु के नाम में रहता है, उसको इतनी महान गद्दी प्राप्त होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। परमात्मा इतना देते हैं कि हमारी औकात से भी ज़्यादा। आप देखते हैं प्रभु, हम जिसके लायक नहीं थे वो भी आपने दिया, ये भक्त का भाव होता है। और श्री अनुरुद्धाचार्य जी इतने सारी माताओं की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, बांदरों की सेवा करते हैं, और यहाँ तक कि अन्नपूर्णिमा की सेवा होती है। अन्नपूर्णिमा ने क्षेत्र सुबह से रात्रि तक चलता रहता है, और यहाँ तक कि महासंतों की सभी की सेवा करते हैं गुरुदेव, लेकिन कभी भी उनमें अहंकार कभी नज़र नहीं आता, और हमेशा प्रसन्नता से ही सब कार्य करते हैं। यानी कि इससे हमें प्रत्येक मैसेज मिलता है, ये संदेश मिलता है कि हर कार्य करते पर प्रसन्नता रखनी चाहिए चेहरे पर, क्योंकि इस चेहरे पर और सुंदरता आती है, निखार आता है, और हमेशा प्रभु की एक मुस्कुराहट, एक पहचान है हमारे प्रभु की। इतनी महान 30,000 मिला, कुल सब मिलाकर 30,000 भक्तों की सेवा होती है, और गुरुकुल जो 200-300 बच्चे के करीब पढ़ रहे हैं गुरुकुल संस्कृत पढ़ाई, वो मुफ्त में, फ्री, सारी सेवाएं फ्री में होती हैं, लेकिन आप सही भक्तों के सहयोग से, आप सभी के दान पुण्य से ये सेवाएं सफल होती हैं, और ये सेवाएं प्रतिदिन चलती रहती हैं। महासंतों का साथ, महासंतों का आशीर्वाद सदा गुरुदेव पे है, माताओं का आशीर्वाद भी, और गुरुदेव, जो ऐसे गुरुदेव हमें बहुत नसीब से मिलते हैं, माताओं की दुआ, 280 माताओं की दुआ है गुरुदेव पर, महासंतों का दुआ है, और बांदरों का दुआ है, और यहाँ तक कि गौ माता की भी दुआ है।
इतनी सारी दुआ है गुरुदेव के पास में। और लेकिन प्यारे प्यारे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में जय माता की लिख।